नमस्कार। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के श्रृंखला में चल रहे हैं और आज इसी क्रम में कुछ बहुतरूपी प्रश्नों का विश्लेषण एवं अध्ययन करेंगे। शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से कॉमन स्कूल प्रणाली में सर्वाधिक हानि किसे होगी? पिछड़ा बालक, लड़की, सामान्य बच्चा, प्रतिभाशाली बालक। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब पूरे देश में एक ही सिस्टम हो, भिन्न भिन्न सिस्टम न हो, एक ही पाठ्यक्रम हो, एक ही तरह के संसाधन हो, एक ही तरह के टीचर हो, कोई भिन्नता न हो। भिन्नता कब होती है? जैसे नवोदय विद्यालय हैं जो कि विशेष हैं, नेत्रहाट जैसे पुराने समय से चलता आ रहा है वह विशेष विद्यालय जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है, या प्राइवेट स्कूल्स में जैसे दून स्कूल का नाम रहा है, तो ये ऐसे स्कूल हैं जहां पर प्रतिभाशाली बच्चे या बहुत ही अधिक संसाधन जिनके पास हैं वैसे स्कूल हैं। तो वैसे स्कूल अलग से होते हैं जैसे कि हमारे देश में हैं, तो हर तरह के बच्चों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के स्कूल हो जाते हैं। लेकिन अगर कॉमन स्कूल होगा तो किसे सबसे अधिक हानि होगी? तो इसमें अगर कॉमन स्कूल होगा तो सबसे अधिक हानि प्रतिभाशाली बालकों की होगी, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष वातावरण की जरूरत पड़ती है, विशेष संसाधनों की जरूरत पड़ती है और उनके टीचर्स भी ज्यादा सक्षम होने चाहिए। तो अगर हम स्पेशल स्कूल्स, स्पेशल मतलब यहाँ पर यह अर्थ नहीं है कि जो विकलांग बच्चे हैं, यहाँ पर अर्थ है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जहाँ पर जिनके मेरिट्स ज्यादा हैं वैसे बच्चों को अलग करके पढ़ाया जाए तो वो अधिक लाभान्वित होते हैं, लेकिन कॉमन स्कूल में उनको हानि होती है। इसलिए यहाँ पर उत्तर डी है। किसी विशिष्ट विद्यालय विषय के लिए बच्चे की तत्परता किस पर निर्भर करती है? रेडीनेस ऑफ ए चाइल्ड, रेडीनेस टू लर्न, सीखने के लिए तत्परता जो होती है वह किस पर निर्भर करती है विशिष्ट विद्यालय विषय के संदर्भ में? उसकी शारीरिक परिपक्वता, उसकी पूर्व शैक्षिक उपलब्धियां, उसकी अभिप्रेरणात्मक स्तर तथा आत्मप्रत्यय। प्रयत्न से अकेला कोई नहीं। अब यहां पर प्रश्न में ध्यान देने की बात है कि विशिष्ट विद्यालय विषय, स्पेसिफिक स्कूल सब्जेक्ट, अर्थात किसी बच्चे के लिए सभी विषयों की बात नहीं हो रही है, किसी खास विषय, हो सकता है मैथमेटिक्स, हो सकता है इंग्लिश, हो सकता है साइंस, कोई भी एक विशेष विषय की बात हो रही है, तो उसमें जो उसकी तत्परता है वह किस पर निर्भर करती है? तो शारीरिक परिपक्वता का जहां तक प्रश्न है तो सभी विषयों पर लागू होगा। पूर्व शैक्षिक उपलब्धियां, यहाँ पर शैक्षिक उपलब्धियां हैं अर्थात विषय विशेष से नहीं है, तो यह भी सभी विषयों पर लागू होगा। अभिप्रेरणात्मक स्तर तथा आत्मप्रत्यय, मोटिवेशनल लेवल एंड सेल्फ कंसेप्ट, यह जो है यह विशेष विषय पर प्रभाव डाल सकता है। जैसे अगर मैथमेटिक्स के लिए या इंग्लिश के लिए या कोई भी ऐसा विषय है जिसके लिए वो मोटिवेटेड नहीं है और उसका सेल्फ कंसेप्ट कहता है कि नहीं, ये विषय मैं अच्छा नहीं हूँ, ये विषय मुझे पसंद नहीं आता, ये विषय मेरे लिए ठीक नहीं है, या मैं इसमें पिछड़ा हूँ, मुझे ये विषय नहीं आता है, इस तरह का कंसेप्ट होकर नेगेटिव आत्मप्रत्यय उसका बन जाएगा और मोटिवेशनल लेवल उसका अगर उसमें नहीं है तो ये जो है इस पर निर्भर करता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अभिप्रेरणात्मक असर का आत्मप्रत्यय जो बच्चे का है वह प्रभावित करता है, उस पर निर्भर करता है रेडीनेस। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उसका यूज किस लॉजिक पर, किस रैशनल पर डिपेंड करता है। इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय होती हैं, यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है। इसमें डी अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन ए बी सी तीनों ही अट्रैक्ट करता है। अधिगम अध्यापन की जो प्रक्रिया है थोड़ी सुगम हो जाती है अगर हमारे पास साधन हो तो, टीचिंग एड्स हो तो, खास करके ऑडियो विजुअल एड्स हो तो, और अधिगम स्थूल हो जाता है, ज्यादा कंक्रीट हो जाता है, ज्यादा उनके लिए अस्थायी हो जाता है। तो यह बात भी सही है क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा कंक्रीट हम बना लेते हैं ऑडियो विजुअल एड्स से, और दोनों इंद्रियां आंख और कान ये दोनों सक्रिय होती हैं। लेकिन ये तीनों बातें सत्य होते हुए भी
किस रैशनल पर यह डिपेंड करता है, किस तर्काधार पर यह निर्भर करता है? तो इसका तर्काधार तो सी है, जहां तक ए और बी है उसका इफेक्ट है। ए जो है वह इफेक्ट है टीचर्स पर विशेष करके और कुछ हद तक स्टूडेंट्स पर, और बी जो है वह स्टूडेंट्स पर इफेक्ट है, लेकिन लॉजिक जो है वह तो सी है। इसलिए यहां पर आंसर सी होगा, ए बी नहीं होगा, डी तो होगा ही नहीं। किसी अध्येता की बौद्धिक योग्यता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का भाग नहीं हो सकता? कोई स्कॉलर है, कोई स्टूडेंट है, उसकी बौद्धिक योग्यता, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, उसके मेंटल एबिलिटीज को मापना है, तो कौन सा भाग नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा? तो इसमें कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे, या एक नहीं होगा। किसी अवस्थिति की आवश्यकता की पूर्ति करना, पूर्व अधिगम को सीखना और उसका उपयोग, अध्येता द्वारा अपने समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करना, ठोस नैतिक निर्णय करना। पहले हम देखते हैं कि बौद्धिक योग्यता के अंतर्गत क्या आएगा, फिर देखते हैं क्या नहीं आएगा। तो पहला जो है ऑप्शन, किसी अवस्थिति की आवश्यकता की पूर्ति करना, अर्थात किसी सिचुएशन जो है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ए सिचुएशन। तो कोई जैसे बच्चा है, उसकी कोई एक सिचुएशन क्रिएट हो गई और उसमें कुछ नीड है उसको रिएक्ट करने का, उसको सॉल्व करने का, उसके आगे निकल जाने का, तो इसकी पूर्ति वह कर लेता है। इसका मतलब वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसका है, तो उसकी बुद्धि उसको दिखाती है कि वह किसी विशेष परिस्थिति में अपना सही रिएक्ट करके आगे निकल जाता है। तो ये ए तो उसका भाग होगा। पूर्व अधिगम को सीखना और उसका उपयोग जो है लर्निंग और उसका यूज, तो यह भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में आता है, मेंटल एबिलिटी में आएगा। और अपने समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करना, यह भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के अंतर्गत आएगा। क्या ठोस नैतिक निर्णय करना इंटेलेक्चुअल होगा? नहीं, नैतिक निर्णय जो है वह इंटेलेक्चुअल बेसिकली नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी नैतिक निर्णय जो है वह एफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड होता है, वह भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है, और इसलिए नैतिक निर्णय बौद्धिक योग्यता से संबंधित नहीं है। बौद्धिक योग्यता होते हुए भी नैतिक निर्णय हम गलत कर सकते हैं, तो नैतिक निर्णय करना बौद्धिक योग्यता के अंतर्गत नहीं आएगा। क्या अच्छा है क्या बुरा है यह बौद्धिक योग्यता के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। किसी भावात्मक रूप से असुरक्षित बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुत बड़ा खतरा बन सकता है? भावात्मक रूप से असुरक्षित, अब यहां पर चार ऑप्शन है, अनुशासन का पूर्ण अभाव, अति आसक्त अनुशासन ओवर इंडल्जेंट डिसिप्लिन, वयस्कों द्वारा लगा गया अनुशासन, स्वनियामक अनुशासन। असुरक्षित बच्चे जो है भावात्मक रूप से इमोशनली, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बच्चे में आत्मविश्वास नहीं है, बच्चे में यह रिस्क लेने की या सामना करने की प्रवृत्ति नहीं है, वह बचना चाहता है, वह एक सुरक्षित वातावरण चाहता है। ऐसे में वह जब बार बार सुरक्षित वातावरण चाहता है, तो ऐसे में क्या सबसे बड़ा खतरा हो सकता है अनुशासन का? अनुशासन का पूर्ण अभाव, अगर अनुशासन का पूर्ण अभाव होगा, ऐसी स्थिति में बच्चे को भिन्न भिन्न प्रकार के स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और उसको लर्निंग बाय डूइंग, अपने से सामना करके भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसको अपना खुद निर्णय लेना ही पड़ेगा, तो यह एक खतरा है। दूसरा, अति आसक्त अनुशासन, ऐसा अनुशासन जिसमें माँ बाप बच्चे को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसको जरा भी आँच नहीं आनी चाहिए, उसको कोई डांट नहीं सकता, उसको कुछ कह नहीं सकता, उसकी हर गलती माफ है, उस मोहग्रस्त होते हैं जो पेरेंट्स होते हैं उसके प्रति। वयस्कों द्वारा लादा गया अनुशासन, जो एडल्ट हैं उनके द्वारा जो अनुशासन लादा जाता है, और स्वनियामक अनुशासन, सेल्फ रेगुलेटरी डिसिप्लिन। तो सेल्फ रेगुलेटरी डिसिप्लिन कभी भी खतरा नहीं बनता, और वयस्कों द्वारा लादा गया अनुशासन सामान्य बच्चे में तो कभी कभी दिक्कत पैदा कर सकता है, लेकिन जो ओवर इंटेलिजेंट डिसिप्लिन है, जो इसमें माता पिता पूरी तरह से कवर करके अपने बच्चे को रखते हैं, पूरी तरह से सुरक्षा, कहीं कोई
प्रॉब्लम उसको सामना नहीं करना है, कहीं कोई उसको रिस्क नहीं लेना है, कहीं कोई उसको अपना निर्णय उस तरह से कठिन परिस्थिति में नहीं उसको जाने देना है। तो वैसे जो अनुशासन है उसमें उसका व्यक्तित्व तो बहुत ही संकुचित रह जाएगा, उसका व्यक्तित्व तो का विकास नहीं होगा और वह हमेशा एक सुरक्षित वातावरण की मांग करेगा और जहां भी नहीं मिलेगा वहां वह अपने भावात्मक रूप से बहुत असंतुलित हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर ए और बी दोनों अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसमें बी ज्यादा हमें आकर्षित करता है। तो मुझे लगता है ज्यादा सुटेबल आंसर बी है कि ओवर इंटेलिजेंट डिसिप्लिन जहां पर होता है वहां पर वे उन बच्चों का विकास और भी मुश्किल हो जाता है और भी खतरनाक हो जाता है। आंसर बी। लंबी अवधि की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अशुद्धियों के घटित होने को दूर रखना, सामग्री को शुद्ध रूप में याद रखने को प्रोत्साहित करना, चर्चा करते समय सामग्री का प्रयोग और अधिक प्रगामी पाठ्य सामग्री प्रदान करना, तुरंत वैसी ही सामग्री द्वारा अधिगम को प्रबलित करना। अब उसके स्मरण को, उसकी जो रिटेंशन पावर है उसको बढ़ाना है, तो एक अध्यापक को क्या करना है ताकि उसको याद लंबे समय तक रहे? तो अशुद्धियों को घटित होने और शुद्ध रूप में याद रखने को प्रोत्साहित करने, यह तो बहुत सही बात नहीं है, पुरानी मान्यताएं हो सकती हैं लेकिन आज के समय में इनको हम सही नहीं मान सकते। चर्चा करते समय सामग्री का प्रयोग और अधिक प्रगामी पाठ्य सामग्री प्रदान करना, तो एडवांस कंटेंट प्रदान करना, तो एडवांस कंटेंट प्रदान करने से और इससे स्मरण बहुत ज्यादा नहीं होगा। तुरंत वैसी ही सामग्री या उदाहरण द्वारा अधिगम को प्रबलित करना, मतलब यहाँ पर यह है कि कोई अवधारणा है, कोई कंसेप्ट है, उसको उसको सिखाया गया और फिर उससे संबंधित उदाहरण दिए गए। तो जैसे ही कोई कंसेप्ट हमने सिखाया और उसको प्रबलित करने के लिए, उसको रीइन्फोर्स करने के लिए हमने फिर से कुछ और उदाहरण दिए, कुछ और बताया, किसी और तरीके से समझाया, कुछ और उपाय किया ताकि वह बात उसे समझ में आ जाए, तो ऐसे जब हम करते हैं तो वह ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो जब हम रिलेट कर देते हैं किसी एग्जाम्पल से, हम रिलेट कर देते हैं उनके एक्सपीरियंस से, और वैसे स्थिति में वह जो लर्निंग है वह ज्यादा लंबे समय तक रहता है। तो इसलिए जो सिमिलर मटेरियल है, समान प्रकार की जो सामग्री है या उदाहरण है उससे बच्चे को याद रखता है। इसको कोरिलेट भी कहते हैं कि एक चीज को दूसरे चीज से कोरिलेट कर देना, तो इससे ज्यादा याद रहता है, इसलिए इसका उत्तर बी होगा। किशोर अध्येताओं के अध्यापन की कला और विज्ञान को क्या नाम दिया जाता है? एंड्रोगोजी, पेडागोजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, व्यवहार रूपांतरण। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी और व्यवहार रूपांतरण तो होगा नहीं, एंड्रोगोजी और पेडागोजी दो विकल्प हमारे सामने हैं। एंड्रोगोजी कहते हैं वयस्कों के लिए जो शिक्षण से संबंधित विज्ञान है उसको एंड्रोगोजी कहते हैं, मतलब शिक्षण शास्त्र जो वयस्कों के लिए है, जो एडल्ट के लिए है। पेडागोजी किशोरों के लिए है, बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए हो सकता है, किशोरों के लिए हो सकता है पेडागोजी, इसलिए आंसर बी है। एक चीज यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि पेडागोजी जो है वह साइंस ऑफ टीचिंग इसको बेसिकली कहा जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब कुछ जगह पर इसको साइंस एंड आर्ट दोनों कहा जा रहा है, बेसिकली यह साइंस ऑफ टीचिंग कहा जाता है। तो जो भी हो यहाँ आंसर बी है। अध्यापन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम उचित होगा, कौन सा ऑर्डर सही होगा? इसमें सबका संकेत दिया गया है, डी ई एफ के पी, डी फॉर डिलीवरी, ई फॉर इवेल्युएशन अर्थात मूल्यांकन, एफ फॉर फीडबैक प्रतिपुष्टि, के फॉर नोइंग द स्टूडेंट्स अध्येता को जानना, और पी फॉर प्लानिंग योजना बनाना। अब इसमें कहां से शुरू होगा? यहां पर योजना बनाए करके ही टीचिंग होती है, तो पहले योजना बनेगा फिर वो एक्सक्यूट होगा। लेकिन योजना बनाने के पहले हमें यह भी देखना होगा कि किसके लिए हम योजना बना रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है, उसी के अकॉर्डिंग योजना बनेगी। तो उसके पहले अध्येता को जानना जरूरी होगा। तो पहले अध्येता को जानेंगे कि उनकी मेंटल एबिलिटी क्या है, उनका एज क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और फिर अध्येता को जानने के बाद हम प्लान करेंगे अध्यापन के लिए। प्लानिंग के बाद हम डिलीवरी करेंगे, डिलीवरी के बाद
आता है कि मूल्यांकन होगा कि प्रतिपुष्टि होगा, फीडबैक होगा। तो यहाँ पर जब हमने क्लासरूम में है, तो जब हम डिलीवरी करेंगे तो डिलीवरी करने के बाद तुरंत मूल्यांकन नहीं करेंगे, जो हमने उनको डिलीवर किया, जो हमने उनको पढ़ाया, उसकी प्रतिपुष्टि लेंगे, फीडबैक लेंगे, क्या उनको समझ में आया, क्या वो संतुष्ट हुए, वो कहाँ तक समझे। जब ये हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा, फिर उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो फिर पढ़ाया जाएगा और उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। तो यह जो क्रम है वह बी सटीक बैठता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा कि पहले नोइंग होगा, फिर प्लानिंग होगा, फिर डिलीवरी होगा, फिर एफ से फीडबैक होगा, प्रतिपुष्टि, और ई से इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन, आंसर बी। अध्यापन और अधिगम में मूल अंतर क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग दोनों में क्या अंतर है। अध्यापन एक मध्यस्थ व्यवहार है, अधिगम नहीं। अधिगम एक मध्यस्थ व्यवहार है, अध्यापन नहीं। दोनों ही मध्यस्थ व्यवहार है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहां पर मध्यस्थ व्यवहार एक टर्म है जिसको हमें समझने की जरूरत है। मेडिएटेड बिहेवियर या मेडिएटिंग बिहेवियर हम किसको कहेंगे। मेडिएटिंग बिहेवियर का यह मतलब होता है कि उस व्यवहार से जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसका आगे के व्यवहार उसे प्रभावित होता है। मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं उससे आगे उसका प्रभाव पड़ेगा, अच्छा भी पड़ सकता है, हो सकता है अच्छा ना पड़े। तो यहाँ पर अधिगम जो है, जब एक बच्चा सीखता है तो सीखने के क्रम में वह जब वह सफल होता है तो आगे और सीखने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर वह असफल होता है तो आगे और असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर ये जो बी है यह इसका सही आंसर होगा, आंसर बी। किसी विशेष दिन जब वर्षा हो रही है, आपके विद्यार्थी पढ़ने के मूड में नहीं है, आप क्या करना उचित समझेंगे। अब वर्षा हो रही है, विद्यार्थी पढ़ने के मूड में नहीं है, तो क्या करेंगे, उन्हें कहेंगे कि पुस्तकालय चले जाएं, पिछले पाठ की पुनरावृत्ति, किसी विषय पर प्रश्नोत्तर की व्यवस्था करना, श्रुत लेख करवाना। यहाँ पर ध्यान देना है कि बाहर का एनवायरमेंट कुछ ऐसा है कि जहां पर बच्चों को पढ़ने का मूड नहीं है, उधर जाने का मूड है। फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर हमारे टीचर रूसो जैसे हों, हमारे टीचर अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे हों, तो वो कहेंगे अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको एंजॉय करने दीजिए, और फिर उससे संबंधित चीजें आप पढ़ाइए जिसको उन्होंने एंजॉय किया, जिसको उन्होंने लाभ लिया। लेकिन यहाँ पर आज के समय में ऐसी फ्रीडम हम टीचर्स को नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा कि वो चीज करना पड़ेगा जिसमें सबसे अधिक इंगेज रहे, वह काम करना पड़ेगा जिसमें सबसे अधिक सक्रिय रहें मानसिक रूप से पूरी तरह से। तो यहाँ पर ये चारों विकल्प जो है, इसमें सी ऐसा एक विकल्प है जिसमें सभी बच्चे मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे, तो जहाँ पर इस तरह की बात होगी तो हम यह काम करेंगे तो बच्चे उस पर सहभागी बनेंगे, अन्यथा उनको मन नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर हमें सी ऑप्शन लेना ज्यादा सही होगा। सहयोग के मूल्य को बच्चों में विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है, सहयोग का मूल्य है उसको विकसित करने के लिए। तो उस विषय पर व्याख्यान का आयोजन करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था करना, एक कैंप लगाना, भूमिका अभिनय प्रतिरूपण, प्लेइंग ए रोल मॉडल। यहाँ पर किससे सबसे अधिक प्रभावित होगा हमारा सहयोग का मूल्य, तो ए व्याख्यान मूल्य के विकास में बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ हद तक डाल सकता है। अब यहाँ पर सी और डी पर हमें ध्यान देना है। डी जो है भूमिका अभिनय, रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग जो है मॉडल, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं या इवन टीचर भी चाहे तो कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स हैं वो कोई खास रोल प्ले करते हैं, और खास रोल प्ले करने का मतलब यहाँ पर है जैसे कोई नाटक या कुछ इस तरह की चीजें की जाती हैं, और उसमें वार्तालाप होता है और उस रोल को वो निभाता है। तो यहाँ पर जब हम रोल प्लेइंग की बात कर रहे हैं तो उससे भी मूल्य विकसित हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अच्छे मूल्यों का निर्वाह किया है जीवन में, उसका अगर रोल प्ले किया जाए तो कुछ हमें प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज कन्फ्यूजन हो सकता है, उस कन्फ्यूजन को हमें दूर कर लेना है। बिकमिंग ए रोल मॉडल एंड प्लेइंग ए रोल मॉडल दोनों में डिफरेंस है, रोल मॉडल बनना और रोल मॉडल प्ले करना दोनों में डिफरेंस है। टीचर्स सबसे अच्छे तरीके से मूल्य का विकास कर सकता है बिकमिंग ए रोल मॉडल, जब रोल मॉडल बन जाते हैं
तो वह सबसे अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में उन मूल्यों का निर्वाह करता है और उन मूल्यों के निर्वाह करने के द्वारा ही वह अपने स्टूडेंट्स में मूल्यों का विकास करता है। तो यह सबसे अधिक प्रभावी तरीका है। लेकिन यह बिकमिंग रोल मॉडल नहीं है, रोल मॉडल बनना नहीं है, बल्कि प्लेइंग है। तो इस स्थिति में कैंप अगर लगाते हैं तो कैंप लगाने में हमें बहुत सारे सहयोग करने पड़ते हैं एक दूसरे को, तभी वो कैंप सफल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कार्य करने हैं जो एक दूसरे के सहयोग से ही हो सकता है। तो इस स्थिति में एक दूसरे से सहयोग करते हुए हमें सहयोग के मूल्य का विकास होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का विश्लेषण किया। हमारा प्रयास रहता है कि आप केवल उत्तर न जाने बल्कि उत्तर के कारणों को भी समझें और किस तरह से हम उत्तर तक पहुंचते हैं इसको भी समझें, ताकि कोई भी नया प्रश्न आए तो आप उस तरीके से समझते हुए उस उत्तर तक पहुंचें। क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है वह फैक्चुअल आंसर वाला नहीं होता है कि जैसे सीधे से हम मैथमेटिक्स में आंसर कर देते हैं और वही एक आंसर डेराइव हो जाता है, इस तरह से नहीं होता है, या इतिहास के जैसा नहीं होता है कि आपने ईस्वी याद कर लिया, आपने नाम याद कर लिया तो आंसर मिल गया। यहाँ पर याद करने से अधिक समझने की जरूरत है कि एक अच्छा टीचर या आज के समय में जो टीचर है वह विभिन्न परिस्थितियों में क्या निर्णय लेगा अपने सहयोगियों के प्रति, बच्चों के प्रति, पाठ्यक्रम के प्रति, स्कूल के डिफरेंट सिचुएशन के प्रति, वह क्या निर्णय लेगा और कैसे निर्णय तक पहुंचता है, तो उसको हमें समझना है। तो मेरा प्रयास था कि आप इसको समझें। आशा है आपको विश्लेषण पसंद आया होगा। आपने यहाँ तक देखा, समझा, सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।